सलामत मैं वैसे मरने वाला नहीं हूँ। मेरा तरीका एक है, गौर कीजिएगा इस जुमले पर, कभी कभी तकबीरें भी उल्टी हो जाती है। पाशा के कहा, पाशा सलामत देखिए, तमाम लोगों को जमा कर लीजिए और मजमे में दरख्त से मुझे बांध दीजिए और आप कहिए बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है। पाशा ने क्या सोचा, यार ये तदबीर बड़ी अच्छी है, क्यों सबके सामने करेंगे तो लोग डरेंगे कि बादशाह के खिलाफ जो उठेगा उसका यही अंजाम होगा। पाशा को ये तदबीर काफी अच्छी लगी, लेकिन इधर अल्लाह ताला तदबीर करने वाला है, सबसे ज्यादा प्लानिंग करने वाला वो है। क्या किया, जमा किया गया, लोग आ गए, सब कुछ। अब बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस बच्चे का रब है। तीर इधर से निकला, लड़के के सीने में लगा, लड़का वहां मरा। मजमे में जितने भी लोग थे पुकार उठे, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए, हम इस बच्चे के रब पर ईमान लाए। सब मुसलमान हो गए। यारों उसी का तो तस्करा है ना सूरह बुरूज में, सूरह नंबर 85 आयत नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। वमा नकमू मिनहुम इल्ला अय्युमिनु बिल्लाहिल अजीजिल हमीद। फिर बादशाह ने तमाम मुसलमानों को जला दिया। यारो अगर आज हमको कोई गुजरात में जलाता है, दुनिया के किसी कोने में जलाता है तो घबराने की बात क्या, अफगानिस्तान में जलाता है, इराक में जलाता है, घबराने की बात क्या। अरे हमारे असलाफ ने डरा नहीं, हमारे असलाफ डरे नहीं, ईमान का सौदा नहीं किया। एक औरत थी थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि गोद में बच्चा जो है, बच्चे को लेकर कूदेगी। हदीस के अंदर आया चार बच्चों में एक बच्चा वो भी है जिसने बचपन में बात की है। या उम्मा इस मेरी फाइन न किए रख, अम्मी जान तू सब्र कर, तू हक पर है। फिर उसके बाद अम्मी जान उसे लेकर आग में कूद गई। तो आग में जलाने का सिलसिला यारो पुराना, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करते ईमान वाले। वमा नकमू मिनहुम इल्ला अय्युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। इनसे बदला क्यों लिया जा रहा है, इसीलिए ये लोग एक गालिब और जबरदस्त अल्लाह को मानने वाले हैं। आज इराक के अंदर क्यों हमें मार रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। अफगानिस्तान में क्यों मार रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। फलस्तीन में क्यों मार रहे हैं, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। और क्या भाई, और ये लिया जाता रहेगा, लेकिन ईमान वाले कभी ईमान का सौदा नहीं करते। मिसाली नौजवान को आखिरी बात कहकर अक्सर हो जाओ, मिसाली नौजवान वो है जल्दी शादी का एहतमाम कर, बोलते वो मौली साहब जब पांव पर खड़े होंगे तो करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पांव पर खड़े होंगे, जल्दी शादी का एहतमाम कीजिए तब बुराइयों से बचेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी किताब निकाह किताब नंबर 70 हदीस नंबर 5066। या माशर शबाब मन इस्तता अलबाअत फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़फ़रु अल-बसर व अहसनुल फ़र्क व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फइन्नहु लहू मिजा। ऐ नौजवानों की जमात शादी करो, निगाहें नीची रहेगी, शर्मगाहों की हिफाजत होगी, नहीं ताकत रखते रोजे रखो, खाई जो है वो टूट जाएगी। इसलिए मेरा पैगाम नौजवानों के नाम यही है, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने, वो क्या कर तू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाओ में ताजी सरी धारा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला, उसामा बिन ज़ैद, मोहम्मद बिन कासिम, तारिक बिन ज़ियाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, कितने के नाम गिना हो। कभी है ना जवा मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने, वो क्या कर दो था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाओ में ताज सरेदार। इसलिए आइए अहद कीजिए, वो क्या सबक पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। लेकिन यारो कब होगा, वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, वो काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। कब होगा, ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी जवाल इल्म इरफा है, उम्मीदें मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशीमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उठ बांध कमर, क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आखिरी दुआ जो नौजवानों की दुआ, सूरह काहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 10, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ऐ हमारे रब अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले को आसान कर दे। अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमाए, किताब सुन्नत पर कायम रखे, बिदअत और खुराफात से दूर करे। आमीन। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिजमाईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।